Hello students, today we will discuss class 9 subject English, chapter number 1 from Beehive. The name of the chapter is The Fun They Had and the author of this chapter is Isaac Asimov. But before starting this chapter, I would like to provide you some relevant information about the author. I have written it on the whiteboard, you can see from the whiteboard, and I am repeating my work, okay? So now, Isaac Asimov got birth on 2nd January 1920 and he died on April 6, 1992. He was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. He was known for his works of science fiction and popular science. He was a prolific writer who wrote or edited more than 500 books and an estimated 90,000 letters and postcards. Okay, some relevant information regarding the author I have given to you. And one more thing I would like to provide you. Students, basically English literature mein वैसे तो इन्हें American writer कहा जाता है, but इनका जो primary citizenship था वो Russian था. Means when he was in his prime time, he was living in Russia. So he is known for his primary citizenship that he was a Russian. But later on, he settled in America and he was known an American writer or the author. So now we are starting the chapter, The Fun They Had. Open your book, everyone. The Fun They Had. Students, the very basic information I would like to tell you. आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ 24th अप्रैल 2020 में. और जो भी स्टूडेंट हमारे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं या बाद में भी देखेंगे तो वो याद करेंगे आज की तारीख को, आज के समय को, क्योंकि आज पूरा विश्व, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व COVID-19 यानी कोरोना वायरस से सफर कर रहा है. तो इस चैप्टर में, हालांकि हमारा जो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है और सीबीएसई ने अब से 2 साल पहले हमें सीसी पैटर्न दे रखा था और अब सीसी पैटर्न को खत्म करके हमारे पास पैटर्न आया है बोर्ड क्लासेस का, क्योंकि इससे पहले हमारे बोर्ड की क्लासेस नहीं होती थी, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होते थे और अब वो सीसी पैटर्न को बदलकर बोर्ड एग्जामिनेशन होने लगे हैं. तो जब से 2 साल पहले ये चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की जगह दूसरी हमारी बुक्स आई और दूसरे हमारे जो सिलेबस आया, उस सिलेबस में चेंज, सिलेबस में जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था द फन दे हैड, मैंने आपसे 2 साल पहले भी जब इसको पढ़ाया था तो कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि जो सिचुएशंस, जो इसमें सीक्वेंसेस इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो सीक्वेंसेस हमें आगे आने वाले समय में फेस करने पड़ेंगे. बट हाँ, जो इमेजिनेशन हमारे राइटर ने की है, क्योंकि वो एक क्या है, क्योंकि वो एक साइंस पर वर्क करने वाला राइटर है, फिक्शन पर वर्क करने वाला राइटर है, स्पेशली साइंस फिक्शन पर वर्क करने वाला वो राइटर है. तो वो जानता है किस तरीके से साइंस फिक्शन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे हमने अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं. स्पेशली अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने एक कैरेक्टर मूवी में देखा होगा कार्ल, तो वो कैरेक्टर क्या करता है, वो साइंस फिक्शन का यूज करके चीजों को बदलने की कोशिश करता है, अपनी इस यूनिवर्स पर, अपनी इस धरती पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है. जबकि संसार में ईश्वर ने, प्रकृति ने, नेचर ने कभी भी किसी को डोमिनेट करने के लिए कोई हक नहीं दिया है. सो हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम केवल चैप्टर पढ़ाएंगे. और मैं आपको बता दूं चैप्टर के बारे में कि यहाँ 2 कैरेक्टर हैं, द फर्स्ट इज टॉमी एंड सेकेंड इज मार्जी. ये दोनों स्टूडेंट्स हैं और ये स्कूल नहीं जाते हैं. अब आप हाँ, इसको सुनकर हंसिएगा मत कि स्कूल नहीं जाते हैं, बल्कि बेसिकली क्या है, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो हमारे सामने दी गई है. इसमें दिखाया गया है या बताया गया है, जो हमारी बात इसमें बताई गई है, जो हमारे राइटर इसमें बात बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 17 मई 2157, यानी कि आई एम राइटिंग ऑन योर व्हाइट बोर्ड, यू कैन सी 17 मई 17 मई, एंड दिस इज 21 मींस 2157. So this is the time, and we are assuming in this time there are 2 characters that has been given over here. The first one is Margie. Okay. Then after it there is another character.
So before starting, I would like to write over here the name of that another character whose name is Tommy. Okay. The second is also one of the student and whose name is Tommy. Then what happened? Okay. We'll discuss about this chapter. So I think everybody has opened up. Now student, I think everybody has opened up his book. So now I'm starting the chapter. Marzi's even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Okay. So what happens? कि टॉमी अपनी मार्जी अपनी डायरी के ऊपर लिखती है कि आज की डेट क्या है. मींस शायद वो डायरी लिख रही है, उसको डायरी लिखने का शौक है और डायरी के ऊपर वो डेट डालती है. आप भी जानते हैं स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास में आपका एक क्वेश्चन आता है डायरी राइटिंग का, ठीक है. सो तो डायरी राइटिंग के लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है 17 May 2157. एंड अब वो क्या लिख रही है वहां पर, क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है. वो कह रहे हैं कि टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. अब रियल बुक क्या है ये हम आगे चलेंगे जैसे जैसे चैप्टर में, तो वी विल गेट टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल बुक. ओके, उन्हें एक रियल बुक मिली. इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल शॉर्ट स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो यानी कि जो हमारे जो टॉमी है उसको इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार उसको बताया था कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने, किसके दादाजी ने, मार्जी के दादाजी ने, कौन, उनके दादाजी ने ये बताया दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. कि एक बार समय था, यानी कि वो बात कर रहे हैं पास्ट की. जैसे कि आज हम कहां हैं, 24 अप्रैल 2020 में, यानी कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो पीछे की तरफ को जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं और वो पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी आज के डे टू डे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, आज के डे टू डे जीवन की बात कर रहे हैं. तो तब व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड, तब सारी कहानियां पेपर पर लिखी जाती थी. They turned the pages, वो pages पलटते थे और pages पलटकर books को पढ़ा करते थे, which were yellow and crinkly. और books कैसी हो जाती थी, क्योंकि बार-बार बच्चे उनको पढ़ते थे, तो जिस इस वजह से books जो थी वो yellow हो जाती थी, pale color में हो जाती थी और crinkly means उनके ऊपर आप कह सकते हैं क्रीज आ जाती थी, या उन पर क्या कहना चाहिए, वो तोड़ मोड़ जाती थी. ओके, एंड इट वॉज awfully, awfully means very much funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब ये बात सुनकर जो दोनों बच्चे हैं, especially जो मार्जी है, वो बड़ी सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बुक्स हम देख रहे हैं और या इसमें डिफाइन किया गया है कि रियल बुक्स हुआ करती थी, वो पेजेस पर छपा करती थी, उनको पेजेस को टर्न किया जाता था, उन पर क्रीज आ जाती थी. इस तरीके की बात वो सोच रही है क्योंकि उसके जमाने में, यानी उसके टाइम में क्या है कि जो बुक्स हैं वो किस पर है, वो ई लर्निंग की तरह है, आप कह सकते हैं वो कंप्यूटर पर है, वो लैपटॉप पर है. और बच्चे आजकल या इस समय में, यानी कि 2157 में स्टूडेंट्स जो है वो बुक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जो पेजेस पर प्रिंट होती हैं वो ई लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिसपे स्क्रीन पर वर्ड आता है और उसके बाद चला जाता है. तो ठीक इस तरीके की जो सिचुएशन है, यानी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमारे सामने अज्यूम की जा रही है. और आज ये समय भी आ गया है क्योंकि हम COVID-19 की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हम सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को घर बैठकर इस तरीके से उन्हें ई लर्निंग दे रहे हैं. ये क्या होगा, वक्त कैसे हमें कहाँ लेकर जाएगा, ये तो समय बताएगा. बट डेफिनेटली अभी जो कुछ चल रहा है वो एक रिहर्सल चल रहा है किसका, 2157 का. सो नाउ विल डिस्कस and we'll move ahead. And the line is that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. Okay. So जब तक वो दूसरे page पर नहीं जाते, तब तक उनके सामने वही book रहेगी या वही page रहेगा. ये बात हमें मार्जी बता रही हैं. उसके बाद क्या होता है, जी सेड टॉमी, ये टॉमी एक तरीके से उसको बुला रहा है, उसको बोल रहा है और बोलते हुए उससे कहता है, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई
आई वुडंट थ्रो इट अवे. ओके, अब टॉमी को लगता है कि ये क्या चीज है, इस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ना या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ना या लैपटॉप पर पढ़ना, ये तो बहुत इजी है. बजाय इसके कि हम बुक्स को पेजेस पर पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि ये तो लोग क्या करते थे, इसका मतलब जो पुराने समय में लोग बुक्स पढ़ा करते थे, उन बुक्स को पढ़ने के बाद में वो उन्हें फेंक देते होंगे, थ्रू मींस कंप्लीट हो जाती होंगी, जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता होगा तो वो उन बुक्स को फेंक दिया करते होंगे. तो सेम विद माइंड सेट मार्जी, शी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वाज 13. सेम बात हमारी मार्जी कह रही है, मार्जी कह रही है मैं भी यही सोचती हूँ. और मार्जी की एज क्या है, मार्जी की एज है 11 इयर्स ओल्ड. एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक एज टॉमी हैड, ही वाज 13. ठीक है, तो हालांकि उसने इतनी ज्यादा टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देखी है, क्योंकि टॉमी की एज उससे ज्यादा है. मार्जी 11 इयर्स ओल्ड है, टॉमी 13 इयर्स ओल्ड है. नेक्स्ट देयर सेइंग, ही सेइंग दैट she said, where did you find it? अब question arises, question क्या arise होता है कि मार्जी टॉमी से ये पूछती है कि ये बताओ कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से? So in my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब attic किसे कहते हैं समझ लीजिए, वैसे आपके यहाँ पर दिया हुआ है, बुक में दे रखा है. attic is a space just below the roof used as a storeroom. But attic हम उसे भी कहते हैं जहाँ पर हम हमारा जो रूफ होता है उसका वो थोड़ा लो होता है और वहां पर थोड़ा स्पेस बना हुआ होता है, जैसे आमतौर पर हम लोगों के घरों में स्टेयरकेसेस के पास एक छोटा सा लो बेसमेंट टाइप से बन जाता है और वहां पर बच्चे बैठकर या कोई भी हम वेस्ट मटेरियल भी रख देते हैं, तो वो एक स्टोर रूम की तरीके से काम किया जाता है, उसे एटिक कहते हैं. और इन अदर वर्ड्स हम इसे हिंदी में तो छत्ती भी कभी कभी इस्तेमाल कर देते हैं इस वर्ड के लिए. तो कह रहे हैं कि मैं एटिक में बैठा हुआ था, वहां पर बैठकर क्या कर रहा था, मैं बुक्स पढ़ रहा था. कौन पढ़ रहा था बुक्स? Who was studying the book? That was Tommy. Okay, then what happened? What's it about school? So Margie was scornful. अब जैसे उसे पता चला तुम क्या पढ़ रहे थे, वो कहते स्कूल के बारे में तुमने पढ़ा, तो मार्जी कहती है was scornful school, यानी scornful means hateful. उसने कहा school, what do you mean by school? Then what's there to write about school? I hate school. कहती है मुझे I don't like school. Why she doesn't like school? Because right now in which period she is living and she is surviving, where the concept of school has been totally changed. The school is not that kind of building where the so many students and teachers are coming on their day-to-day routine and basis, and they are making an interaction with each other, and the teachers are providing them their students, their lecture and different kinds of relevant information, and there is a kind of interaction, belief system and all about the other things. And you know about the your schools also student, क्योंकि आप सभी भी स्कूल जाते हैं और आप जानते हैं कि स्कूल बिल्डिंग क्या होती है और किस तरीके से वहां पर पढ़ाई होती है. अब हमारी जो मार्जी है वो उसे नहीं जानती, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2157 की, तो वहां स्कूल का कॉन्सेप्ट बदल चुका है. अब क्या है वहां स्कूल का कॉन्सेप्ट, ये देखिए. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन जैसे ही उसने टॉमी से सुना कि वो स्कूल के बारे में पढ़ रहा था, वो उसे थोड़ा सा लगा ये क्या चीज है, वो क्या बताना चाह रहा है स्कूल के बारे में, स्कूल तो कोई अच्छी चीज है नहीं. अब द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी सेड बीन doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Actually, उसके लिए स्कूल क्या है? उसके लिए स्कूल है उसके घर में बना हुआ एक वो छोटा कमरा, एक वो छोटा रूम जहाँ पर उसकी लर्निंग की सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर उसके ई लर्निंग के लिए उसका कंप्यूटर है या उसकी वो एमिनिटीज उसको प्रोवाइड की गई है, वो सुविधाएं उसको प्रोवाइड की गई है जहाँ बैठकर वो पढ़ती है, वो उसे स्कूल कहती है. उसने वो आज के कॉन्सेप्ट को नहीं जानती जिसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर कभी कभी 100 कभी 200 और मोर देन 1000 स्टूडेंट्स और टीचर्स भी वहाँ जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक तरीके का एक बहुत ही कहना चाहिए अच्छा सा एनवायरमेंट स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में बना रहता है. वो आइसोलेटेड है, वो इस तरीके से एक छोटे से कमरे में बैठकर वहाँ पढ़ती है और उसकी स्क्रीन पर एक प्रिस्क्राइब टाइम पर, जैसे आजकल हम कर रहे हैं, एक प्रिस्क्राइब टाइम पर अपने बच्चों को हम एक वीडियो बनाकर या एक ऑडियो बनाकर अपने स्टूडेंट्स को चैप्टर से रिगार्डिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. लेकिन इसमें फिर भी आपके सामने टीचर्स हैं, वहां पर टीचर्स कोई दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि एक वॉइस सुनाई देती है और उसके बाद वर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, और स्टूडेंट्स को उस वॉइस को मैच करना होता है, उसके साथ साथ अपने आप को कोरिलेट करना होता है. तो इस तरीके से जो एक इंटरेक्शन
taught है, एक belief system between a student and teacher है, वो वहाँ पर finish हो गया, इसलिए मार्जी जो है, वो school को hit करती है, और जैसे ही वो Tommy से सुनती है कि आप स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो वो और भी ज्यादा क्या हो जाती है, hateful हो जाती है, no I don't like the concept of स्कूल ओवर हियर। सो अभी क्या होता है कि हमारी जो मार्जी है वो ज्योग्राफी पढ़ रही है अपनी इस सैली बुक पर, और उसके बाद क्या होता है वहां पर उसका जो प्रोग्रेस है वो ज्योग्राफी में अच्छा नहीं चल रहा, तो वो अपनी उसकी जो मदर है वो शिकायत करती है उनसे, जो उस तरीके के सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं घर घर जाकर या एक छोटे रूम में जाकर बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो उन्हें बुलाया जाता है। देखिए यहाँ पर वर्ड आया है हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी का मीनिंग है मैकेनिकल, ओके, और काउंटी का मीनिंग है यहाँ पर रीजन, यानी उस क्षेत्र का जो भी इंस्ट्रक्टर होता है वो वहां पर आता है और उस टैली बुक को ठीक करने की कोशिश करता है। द रीजन इज दिस बिकॉज मार्गी इज नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी, शी हैज सम प्रॉब्लम एंड बेसिकली ज्योग्राफी स्टूडेंट आप भी जानते हैं ज्योग्राफी बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि वहां पर बहुत सारी शायद उनकी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं होती हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, हर सब्जेक्ट अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है। ओके सो वी विल मूव अहेड, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट, मार्जी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो दैट इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसंस वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दैट वाजंट सो बैड द पार्ट Marzi hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Okay, now what happens? क्योंकि वो geography में अच्छा नहीं कर रही, तो उसकी जो mother है वो कुछ शिकायत करती हैं, तो जो instructor है वो वहाँ आते हैं, वो कुछ उसके अंदर जो program की setting होती है उसको ठीक करते हैं, और उसके बाद में Marzi के लिए वो दोबारा से program की को क्या कर देते हैं, वहाँ पर frame कर देते हैं, वहाँ पर start कर देती है। अब होता क्या है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, तो एक रेड फेस का लिटिल मैन वहां पर आता है और आकर अपने सभी वायर्स और टूल की हेल्प से उस प्रोग्रामिंग को ठीक करता है। और जब मार्जी हमारी 6 इयर्स ओल्ड थी तो उस समय उन्हें कोड लैंग्वेज सिखाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे वर्क करते हैं तो वर्क करने के लिए उन्हें कोड लैंग्वेज सिखाई गई थी, और कोड लैंग्वेज में वो अपने असेसमेंट को, जो भी टेस्ट पेपर्स उन्हें दिए जाते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के बाद में, उसको वहाँ पर एक स्लॉट दिया गया, उस स्लॉट में उनका होमवर्क होता है, साथ ही साथ उनकी उनके लिए क्या चीजें दी जाती हैं, उनके मार्क्स भी वहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं कि मार्जी अब इस सब्जेक्ट में, सपोज ज्योग्राफी के इस पर्टिकुलर सेक्शन में इतना वो क्या कर चुकी है, अपडेट कर चुकी है, इतना वो लर्न कर चुकी है, और इस तरीके से वहाँ लर्निंग प्रोसेस भी चलता रहता है, साथ ही साथ असाइनमेंट भी चलते रहते हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी चलता रहता है, और टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं विद इन नो टाइम, यानी मतलब वो उसने फटाफट से एग्जाम खत्म किया और एकदम से चेकिंग हो गई स्लॉट के अंदर, उसके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि विस सब्जेक्ट आर स्टूडेंट और आर चाइल्ड आर वर्ल्ड इज सफरिंग, व्हेदर इट इज ज्योग्राफी मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है वो टोटली चेंज हो गया है, अब स्टूडेंट उस तरीके के पैटर्न पर नहीं पढ़ रहे हैं जिस पैटर्न पर हम इस समय आज के 2020 में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। I think it has been clear to everyone. Okay, we shall move ahead. And now, the inspector had a smile after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones." Mrs. Jones किसका नाम है? Mrs. Jones is the name of the Margie's mother. Okay. So जब पूरी activity complete हो जाती है, यानी कि वहाँ पर जो कुछ भी उन्हें install करना होता है tally book को, वो वहाँ जब ठीक से install कर देते हैं, तो आकर फिर वो Mrs. Jones से कहते हैं कि Mrs. Jones, I think अब कोई problem होने वाली नहीं है। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think geography
sector was geared a little too quick. Geared means adjusted to a particular standard level. Okay, so वो कहते हैं कि मुझे लगता है शायद ये जो हमने जितना भी relevant information geography के इस सेक्शन में हमने प्रोवाइड किया था, शायद वो हमारी लड़की के यानी कि जो हमारी गर्ल है, जो स्टूडेंट है जिसका नाम मार्जी है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या दे दिया, ज्यादा स्टैंडर्ड का दे दिया, इसलिए हमारी स्टूडेंट यानी कि मार्जी उसको क्या नहीं करा रही, कर पा रही है, कोप अप नहीं कर पा रही है. अब आगे कहते हैं वो, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज जियर्ड अ लिटिल टू क्विक. दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स. आई हैव स्लोड इट अप एंड एवरेज 10 इयर्स लेवल. अब देखिए वो क्या है, अब यहां पर जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई इस तरीके से नहीं हो रही दैट शी इज 11 इयर्स ओल्ड गर्ल. तो 11th ईयर ओल्ड गर्ल है तो क्लास 3rd में है, 4th में, 5th में नहीं. अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर एज, दे आर प्रोवाइडिंग सम सेक्शंस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब उन्होंने क्या, शायद उन्होंने जो 11 ईयर ओल्ड समझ के उसको जो ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड दिया था वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी मार्जी है वो काम नहीं कर पा रही, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने अभी से जैसे 10 साल का बच्चा जहां काम करता है वो लेवल का मैंने इसको क्या दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया है, ये इसको हमने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर इंस्टॉल कर दी है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. और साथ ही साथ उन्होंने मिस्टर जॉन्स को ये भी बताया कि जो कुछ भी मार्जी अब तक कर रही है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल का है, हम इससे सेटिस्फाइड हैं. So now Margie was disappointed. अब Margie disappointed हो गई, क्यों? क्योंकि she had been hoping they would take the teacher away altogether. क्योंकि उसे लगा था ये जो tally book है वो उसके teacher का work कर रही है. तो she was not interested in that kind of teacher. उसे लगा था कि ये खराब हो गया, चलो अब जो आएंगे हमारे county instructor वो आकर उसको उठा के ले जाएंगे, कुछ समय के लिए उसे at least geography से छुटकारा मिलेगा. Okay, then what happened? And they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. क्योंकि इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो उसको उठा कर ले गए थे. Because the history sector had blanked out completely. क्योंकि history का जो section था वो उस tally book से बिल्कुल completely blank out हो चुका था, यानी finish हो चुका था. So she said to Tommy, why would anyone write about the school? अब उसको थोड़ा सा interest आता है तो Tommy से पूछती है, Tommy ये बताओ कि लोग school के बारे में क्यों लिख रहे हैं? तो Tommy looked at her with very superior eyes. Superior eyes है इस्तेमाल किया गया, wide eyes, यानी कि he got surprised. आंखें फैला कर वो उससे पूछता है, क्या पूछता है कि looked at her with very wide eyes because it is not our kind of a school. और साथ ही साथ उसे ये information भी देता है कि मार्जी ये जो स्कूल जिसकी बात मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बुक मुझे मिली है, हमारे स्कूल से डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, loftily means superior way. Okay, वो उसको बताता है कि बेवकूफ लड़की, हम बात नहीं कर रहे आज के उस छोटे से कमरे की जिसमें टैली बुक रखी हुई है और हमारा रीजनल इंस्ट्रक्टर आता है और आकर उसको इंस्टॉल कर देता है प्रोग्राम को, हम बात कर रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग उस स्कूल की जो स्कूल आज से सैकड़ों साल पहले, यानी हम अगेन फिर वहीं आ जाते हैं दोबारा पीछे कि इसमें बात की जा रही है 2157 की, और हम बात कर रहे हैं 2020 की, यानी 2020 में स्कूल कैसे है, शानदार स्कूल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हर सुविधाएं हैं स्टूडेंट्स के लिए, खेलने की भी, प्लेग्राउंड की भी, स्टूडेंट्स साथ रहते हैं, साथ एक साथ डिस्कशन करते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं और साथ बैठ कर पढ़ते हैं और अपनी अपनी एक दूसरे को प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के टच में रहते हैं और टीचर उन्हें अपनी, आई थिंक डे टू डे लाइफ में यू ऑल आर अवेयर अबाउट ऑल दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इन योर डे टू डे लाइफ. ओके, देन व्हाट हैपेंस, ही एडेड लास्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. क्योंकि वो समझ नहीं पाती तो सेंचुरीज अगो से क्या मीनिंग है, शताब्दियों पहले. मार्जी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑन दैट टाइम. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. यानी कि अब हमें ये पता चलता है कि उस समय कोई टीचर हुआ करता था या टीचर नाम की कोई स्पीसीज हुआ करती थी उस समय, यानी स्पीसीज हुआ करती थी. And she is also telling us, sure that had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अब वो बताते हैं कि ये कोई regular teacher नहीं हुआ करते थे, बल्कि it was a man. Okay, अब वो regular teacher किसके लिए? Regular teacher हमारे इन बच्चों के लिए, जो Margie और Tommy हैं, regular teacher इनके लिए वो tally book है, जिसमें क्या दिया गया? Relevant information दी हुई है, और उससे वो पढ़ते हैं. बल्कि वो कह रहे हैं कि teacher कैसे होते थे उस समय? It was a man. A man, how? कुना मैन भी ये टीचर, उन्होंने कभी एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा
आदमी को टीचिंग करते हुए. When he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question, a man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. Okay, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि हमारे समय में तो कोई टीचर नहीं है जो पढ़ाता हो. कहते नहीं, उस समय में टीचर हुआ करते थे मैन के रूप में और आज जो हमारा टीचर है वो टेलीबुक है और उस टेलीबुक के ऊपर जो भी हमें पढ़ा रहा है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसको मेरे पेरेंट्स यानी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उन्हें जानते हैं. He knows almost as much, I betcha. And Marzi wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मार्जी को ये लगता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, इट कैन नॉट बी हैपन कि मेरा छोटा सा स्कूल है, मेरा छोटा सा क्लास है, यानी कि जहां वो बैठकर पढ़ती है एक रूम में, बाहर से कोई अजनबी आ रहा है, अजनबी आकर उन्हें पढ़ा रहा है. तो तब इस कॉन्सेप्ट को टॉमी क्लियर करता है कि नहीं, ये स्कूल्स घरों में नहीं होते थे बल्कि इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता था. सो दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. वो कहते हैं द टीचर टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर और टॉमी जोर से हंसता है और कहता है यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन दिस इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज. ऐसा नहीं होता था मार्जी, स्कूल बिल्डिंग बाहर हुआ करती थी, सारे बच्चे उस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए आते थे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स वहां होते थे, वो उनको पढ़ाते थे, सेम एज के बच्चे एक क्लास में पढ़ा करते थे. बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच काइंड सॉरी ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. ओके, अब क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बदल चुका है लर्निंग का, तो कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है. कोई किसी का आईक्यू कितना है, किसी का आईक्यू ज्यादा है, किसी का आईक्यू कम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 22nd सेंचुरी की और 22nd सेंचुरी में शायद टीचिंग के एस्पेक्ट्स और टीचिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो बदल चुके हैं. डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो उनको डिफरेंट, हालांकि डिफरेंट स्टूडेंट्स आज भी हैं लेकिन वो सेम एज के ग्रुप के बच्चों के साथ पढ़ते हैं. लेकिन उस समय शायद ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की गई है कि जब बच्चा हर बच्चा अपने घर में रहकर अलग अलग तरीके से लर्निंग के एस्पेक्ट्स को सीख रहा है, तो यानी कि उसी के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग उसे वहां पर पढ़ाया जा रहा है, उसको उसका स्टैंडर्ड क्रिएट किया जा रहा है. तो इसीलिए वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीचर इतने सारे बच्चों को एक साथ, जबकि सबका माइंड लेवल अलग अलग हुआ, कैसे एडजस्ट कर सकता है. तो आगे कह रहे हैं देखिए वो, बट माई मदर सेज अ टीचर सॉरी नेक्स्ट जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट व्हाट डू इट दैट वे देन. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like. Margie said quickly she wanted to read about those funny school. अब क्या हुआ? उसने कहा देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जैसे same they didn't do it that way then. If you don't like it, तो कहते देखो अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं आ रही जिसके बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है मत पढ़ो तुम इस बुक को. तो वो उसे कहता है, लेकिन मार्जी जल्दी से तैयार हो जाती है क्योंकि वो ऐसे उसके लिए फनी चीजें हैं. क्या फनी चीज है? स्कूल फनी है. क्यों स्कूल फनी है? क्योंकि उसने आइसोलेशन में रहकर पढ़ना सीखा है. स्कूल की डेफिनेशन उसके माइंड में अलग है. आज का बच्चा से मीन 22nd सेंचुरी का जो बच्चा है उसके दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डिफरेंट पैरामीटर है स्कूल के लिए. तो वो जो आज के स्कूल से उन लोग क्या कह रही है, वो कह रही है ये फनी स्कूल्स. अब वो जानना चाहती है फनी स्कूल्स के बारे में. तो देखिए क्या डिस्कशन चल रहा है वहां पर. आगे कहते हैं वो, Margie said quickly she wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. अभी वो बुक पढ़ी रहे थे, उनकी आधी बुक कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, mama. Now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. वो कहती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, चलो. अब Margie इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि Margie बुक को पढ़ना चाहती है. तभी लेकिन उसकी मामा फोर्सली कहती है कि नो, ये तुम्हारा टाइम है पढ़ने का, अब तुम पहुंचो. और वो टॉमी से भी कहती है कि टॉमी जाओ, शायद तुम्हारा टाइम भी हो गया. मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. और कहती है ठीक है, जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, स्कूल खत्म हो जाएगा. कौन सा स्कूल? एक अकेले कमरे में बैठकर एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए जहां पर लर्निंग की पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड की गई है, वो उनका स्कूल है, उस स्कूल की बात कर रही है वो. तो अब हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो दोनों हम इस बुक को पढ़ेंगे. Maybe he said nonchalantly. Nonchalantly means lack of care. यानी कि carelessly वो कहता है, कैसा हो सकता है, चलो हम पढ़ेंगे. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. और वो dusty book क्यों है? क्योंकि वो पुरानी book है, उस पर धूल लगी हुई है, dirt लगी हुई है, उसको वो अपनी underarms में लेकर वहां से चला जाता है.
and Marzi went into the classroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on the waiting for her. Yani ki uske baad wo apne school room mein chali jati hai kaun Marzi aur wahan par jo school room hai uska next to the bedroom hai aur and the mechanical teacher was on the waiting for her and it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Unka 5 day week chalta hai, Saturday Sunday unki chutti hoti hai aur unko nahi padhaya jata hai. Now we come to the next page. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसको उसकी मम्मी का ये कहना है क्योंकि बेसिकली छोटी मोटी टीचिंग्स या ये कहना चाहिए कि हमारा घर हमारी पहला स्कूल होता है और हमारी मदर जो होती है वो हमारी फर्स्ट टीचर होती है तो अपनी मदर की बातों को फॉलो करती है. वो क्या बात है, वो ये है कि वो उसे कहती हैं कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. की छोटी लड़कियां अच्छा पढ़ सकती हैं, अच्छा सीख सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पर यानी कि कंटिन्यूटी में पढ़ती हैं. वैसे भी एक जनरल सिंपल सी आपकी कोटेशन बता दी होगी आपको, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी चीज को बहुत आसानी से सीख सकेंगे. और हालांकि इसमें टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट जो चीजें होंगी वो बिल्कुल क्या होंगी, आपको लर्न होंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट अप हो गई एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन. और क्या बताया जा रहा है वहां पर, अर्थमेटिक की क्लास है और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन आप जानते हैं मैथ्स में फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और वहां से उसे इंस्ट्रक्शन आता है अपनी टेली बुक से कि आप क्या कीजिए, अपना जो होमवर्क जो कल आपको दिया गया था उसको प्रॉपर स्लॉट वहां बना हुआ है स्क्रीन पर, उस प्रॉपर स्लॉट में आप अपने पहले होमवर्क को फिल कीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे. मार्जी डिड सो विद अ साई. साई मींस जब, साई मींस दुख, मतलब जैसे हम करते हैं एक ब्रेथ लेते हैं किस तरीके की जिसमें दुख होता है, तो असाई मींस असाई सो कह सकते हैं सोरोफुल फीलिंग. शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. अब वो imagination मार्जी के दिमाग में चल रही है. क्या चल रही है कि अब वो सोच रही है उन स्कूल्स के बारे में जो पुराने समय में हुआ करते थे, जिन स्कूल्स में उसके दादाजी और दादाजी के दादाजी पढ़ा करते थे जब वो बच्चे थे, जब वो लड़के थे. और द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि सारे बच्चे कैसे अच्छे से नेबरहुड से आ रहे हैं, निकल कर पड़ोस से आ रहे हैं, लाफिंग हंस रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ बैठे हुए हैं, गोइंग होम टुगेदर घर साथ जा रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे जब दिन खत्म हो जाता है, दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल, और पढ़ाने वाले जो पीपल थे यानी कि वो जो टीचर्स थे वो पीपल थे यानी आदमी थे, यानी कि वो लिविंग बींग्स थे. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब वो तुरंत प्रेजेंट में आ जाती है. अब प्रेजेंट में उसके साथ क्या चल रहा है कि मैकेनिकल टीचर उसको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दे रहे हैं और साथ ही साथ समझा रहे हैं. क्या समझा रहे हैं कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और वो सोचने लगी, कौन सोचने लगी, Margie सोचने लगी कि कितना बेहतरीन समय था, कितना गुड टाइम था, कितना सुनहरे पल थे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे आमतौर पर इस तरीके के माहौल में 22nd century के माहौल में न पढ़कर 21st century के माहौल में पढ़ रहे थे जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बच्चे बाहर आते थे, ग्रुप्स में आते थे, स्कूल जाते थे, हंसते थे, खेलते थे और अपनी एक्टिविटीज में एक दूसरे के साथ वो पार्टिसिपेट करते थे और साथ ही साथ एक दूसरे के होमवर्क